टेलर सास बहू। लड़की बहुत अच्छी टेलर है, ये आपने ठीक तरह से पता तो किया है ना? अरे हाँ भाग्यवान, मैंने सब पता कर लिया है, अब तुम चलो, देर हो रही है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि तुम मेरी शादी करने की बात करने जा रही हो माँ, या अपने दुकान के लिए नई टेलर देखने जा रही हो। अरे चुप कर, अभी तू बच्चा है, दुनियादारी के बारे में तुझे कुछ नहीं पता। अरे तू तो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, और प्राइवेट कंपनी का क्या भरोसा। लेकिन माँ, अरे तेरे पिताजी से पूछ ले, इन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी नौकरी पकड़ी है और छोड़ी है। अरे वो तो मैं थी जो सिलाई करके घर चलाती थी। अरे बेटा, बुरा वक्त कभी फोन करके नहीं आता, टेलर बहू लाऊंगी तो मेरे साथ दुकान में सिलाई करेगी, समझा? चल अब। दोपहर होने तक तीनों लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं। सभी बातें और चाय पानी होने के बाद, बहन जी, आपका बेटा रोहित एक अच्छी कंपनी में काम करता है और अच्छी तनख्वाह भी है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका बेटा बहुत पसंद है। हमें भी आपकी बेटी मीना पसंद है जी। मुझे लगता है हमें बच्चों को भी आपस में बात करने का मौका देना चाहिए। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा भाई साहब, जाओ बच्चों, बाहर जाके बात कर लो। अरे आप रुकिए जी। अच्छा ये बताओ बेटी, तुमने सिलाई कहाँ से सीखी है? जी, दीनानाथ इंस्टीट्यूट से। अरे बहन जी, मेरी बेटी इस मोहल्ले में सबसे अच्छी ब्लाउज सिलती है और एक से बढ़कर एक डिजाइन भी बना लेती है। अच्छा चल बेटी, जरा तेरे हाथ की कारीगरी देख लेते हैं। अरे माँ, ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे तू चुप कर, लोग ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी लड़की को तो सब आता है, बाद में असलियत सामने आती है, इसलिए मैं कोई गलती नहीं करना चाहती, तू चुप करके बैठ। मीना शांति देवी को दो तीन प्रकार की बढ़िया बढ़िया डिजाइनदार ब्लाउज बनाकर दिखाती है। ये देखिए, ये है प्रिंसेस कट। अरे वाह बेटी, मान गए तुझे, तू तो मुझसे भी अच्छा ब्लाउज सिल लेती है। चलिए बहन जी, हमें तो आपकी बेटी पसंद है, अब इसी बात पर मुंह मीठा कराइए। जी बिल्कुल। इस तरह रोहित और मीना की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन से मीना अपनी सास के साथ सारा दिन दुकान पर सिलाई करती रहती और अपने पति रोहित को जरा सा भी समय नहीं दे पाती थी। फिर एक दिन रोहित फोन करके मीना से कहता है, मीना आज शाम को हम दोनों किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे, तुम तैयार रहना, मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है जी। शाम को रोहित जब घर आता है तो मीना सिलाई मशीन पर बैठी ब्लाउज सिल रही होती है। अरे ये क्या, मैंने तुमसे कहा तो था कि शाम को हमें रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना है, और तुम हो कि सिलाई कर रही हो, हद हो गई। मुझे माफ कर दीजिए जी, क्या करूं, ये ब्लाउज मुझे कल अर्जेंट सील कर देनी है। सारा दिन तो तुम माँ के साथ दुकान पर सिलाई करती हो, अरे कम से कम शाम का वक्त तो मेरे लिए रखा करो। तभी वहां शांति देवी आ जाती है। अरे क्यों बहू को परेशान कर रहा है, कल ये तीनों ब्लाउज सुबह सिल कर देनी है, चल जा अपना काम कर। रोहित चुपचाप वहां से चला जाता है। इस तरह अपनी सास के डर के मारे मीना चाहकर भी अपने पति के लिए वक्त नहीं बिता पाती थी। फिर एक दिन रोहित दोपहर को ऑफिस से घर आता है, उसके साथ उसकी कार में एक लड़की बैठी होती है। दोनों एक दूसरे से मुस्कुराकर बातें कर रहे होते हैं। माँ जरा टेबल पर रखी मेरी फाइल तो देना, मैं भूल गया था। ये कौन लड़की है तेरे साथ? अरे माँ, ये तो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। इतना कहकर रोहित वहां से चला जाता है। उसी शाम, अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, किस चिंता में डूबी हुई हो? क्या बताऊं जी, आज रोहित के साथ एक लड़की आई थी, कह रहा था उसके ऑफिस में काम करती है, मुझे तो उस लड़की के चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं लगते,
कहीं दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं है? अब अगर चक्कर हुआ भी तो इसमें बुराई क्या है? अरे बड़े अजीब आदमी हो आप, कैसी बातें कर रहे हो? तो और क्या कहूं, तुम घर में बहू के बजाय एक काम करने वाली लड़की लेकर आई हो जो सारा दिन तुम्हारे साथ तुम्हारी दुकान पर काम कर सके। अरे भाग्यवान, शुक्र मनाओ कि मैं शरीफ था, इसलिए मैंने कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। पर अब हर कोई तो मेरे जैसा नहीं हो सकता ना। इतना कहकर गिरधारी वहां से चले जाते हैं। शांति देवी समझ जाती है कि गिरधारी क्या कहना चाहते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सोचती है जितनी जल्दी हो सकेगी वो अपनी गलती सुधार लेगी। और इसीलिए दो दिन के बाद, रोहित बेटा, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तू अपनी ऑफिस से छुट्टी ले ले। क्यों, क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, मैंने तेरे और बहू के लिए शिमला की दो टिकट बुक की है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घुमाओ। क्यों बहू, ठीक है ना? सासुमा की बात सुनकर मीना का चेहरा भी खिल उठता है। वो शर्मा कर कहती है, जी माँ जी, जैसा आप ठीक समझे। और इस तरह शांति देवी पूरी तरह से बदल जाती है। शिक्षा, बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी समझना चाहिए और ना कि काम करने वाली नौकरानी।